नमस्कार दोस्तों, बीआर हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज का विज्ञान आयुर्वेद में बताई हुई कितनी ही जड़ी बूटियों के फायदों को जानकर हैरान है, क्योंकि जड़ी बूटियों के इतने फायदे हैं जितनी आजकल की मेडिसिन नहीं कर सकती। आज हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताएंगे, एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बताएंगे जिसे आयुर्वेद में औषधि कहा गया है और वो आपके घर में गमले में भी लग सकती है। हो सकता है कि वो आपके घर में हो और आप उस जड़ी बूटी के फायदे ना जानते हो। उस जड़ी बूटी का नाम है मरुआ। मरुआ को कुछ लोग पौधा ही समझते हैं, लेकिन आयुर्वेद में इसे औषधि कहा गया है। मरुआ एक ऐसी औषधि है जो आपको डेंगू मलेरिया से भी बचाती है। मरुआ देखने में तुलसी जैसा लगता है और वैसे ये तुलसी प्रजाति का ही होता है। मरुए में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। ये अपने आसपास अच्छी सुगंध पैदा करता है और अपने आसपास डेंगू और मलेरिया के मच्छरों को नहीं फटकने देता। अगर आपके घर के आंगन में तुलसी है या आपके घर के आंगन में मरुआ है तो एक ही बात है, क्योंकि दोनों एक ही प्रजाति के हैं और दोनों के फायदे भी बराबर ही हैं। मरुआ इतना फायदेमंद है और इसे आप गमले में लगा सकते हैं। इसे आप अपने घर में आसानी से लगा सकते हैं। तो आप दो पौधे अपने घर में जरूर रखें, एक तुलसी का और दूसरा मरुए का। मरुआ आपके शरीर की कई बीमारियों को खत्म करता है जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। ऐसी बीमारियाँ जिनके लिए आप डॉक्टर के पास जाते होंगे, ऐसी बीमारियाँ जिनके लिए आप हजारों लाखों रुपए खर्च भी कर चुके होंगे, लेकिन मरुआ फ्री में आपकी उन बीमारियों को खत्म कर सकता है और वो भी बिना साइड इफेक्ट के। तो चलिए जानते हैं मरुआ क्या है और कैसे आपको फायदा देता है। जैसा कि हमने आपको बताया, मरुआ तुलसी प्रजाति का है। ये अपने आसपास पूरे बैक्टीरिया को फटकने नहीं देता। आजकल आप जानते ही हैं कि डेंगू की प्रॉब्लम बहुत ही बढ़ गई है, तो डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया इन सभी से बचने के लिए आप मरुए का पौधा अपने घर के आंगन में लगाएं, अपने घर के एंट्रेंस पर लगाएं, ताकि मच्छर आपके घर में प्रवेश ना कर सके। मरुए का इस्तेमाल सबसे आसान है। मरुए के पत्तियों की आप चटनी बना सकते हैं। जैसे आप धनिये की चटनी बनाते हैं, पुदीने की चटनी बनाते हैं, वैसे आप मरुए के पत्तियों की चटनी बना सकते हैं और आपका परिवार सभी हर रोज इसे खा सकते हैं। ये पेट के लिए बहुत ही अच्छी है। पेट की कोई भी बीमारी हो, चाहे पेट में कीड़े हों, चाहे पेट में गैस बनती है, एसिडिटी है, सभी पेट की बीमारियों के लिए मरुआ सबसे अच्छा है। बहुत से लोगों के पेट में इन्फेक्शन रहती है, वो कुछ भी खा पी नहीं सकते, ऐसे में भी मरुआ सबसे अच्छा है। अगर आप घर में धनिये की चटनी खाते हैं तो उसमें भी मरुए के पत्ते को ऐड करके मरुए और धनिये की मिक्स चटनी बनाकर आप इसे खा सकते हैं। इस तरह से आप मरुए के फायदे ले सकते हैं और अपनी जिंदगी में बहुत ही स्वस्थ रह सकते हैं। मरुए के पत्तों की अगर आप चाय बनाकर पीते हैं, यानी कि अगर इसका काढ़ा बनाकर हर रोज इसका सेवन करते हैं, तो ये आपके पेट के लिए सबसे अच्छी है। माइग्रेन की प्रॉब्लम, यानी कि अगर आपके आधे सिर में दर्द होता है तो उसमें मरुआ बहुत ही अच्छा है। मरुए की पत्तियों का रस निकाल कर उसे नाक में डालने पर आपको माइग्रेन से राहत मिलती है। जो भी इंसान माइग्रेन से पीड़ित है, क्योंकि माइग्रेन में वो हर रोज दवाई खाते हैं और माइग्रेन में बहुत सी पीड़ा होती है जिसे सहन कर पाना बहुत ही मुश्किल है, तो माइग्रेन के मरीज मरुए की पत्तियों का रस निकाल लें और अपनी दोनों नासिका में, दोनों नाक में चार चार बूंद हर रोज डालें। ऐसा आप दिन में किसी भी समय कर सकते हैं और कुछ ही दिनों में माइग्रेन की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। सर्दियों के मौसम में अगर आप सर्दी, खांसी, जुकाम से परेशान रहते हैं तो आप मरुए का काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। मरुए की पत्तियों का काढ़ा बनाकर पीने से आपको सर्दी, जुकाम, खांसी से राहत मिलती है। अगर आप गठिया की प्रॉब्लम के शिकार हो चुके हैं, आपके जोड़ों में दर्द रहना शुरू हो गया है, तो आपके लिए मरुआ सबसे अच्छा है। मरुआ गठिया यानी कि अर्थराइटिस के लिए काफी रामबाण है। अगर आपके जोड़ों में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द है, तो आप मरुए की पत्तियां, सौंठ और अश्वगंधा तीनों को बराबर मात्रा में लीजिए और तीनों का काढ़ा बनाइए। आप अच्छे से इसका काढ़ा बनाकर हर रोज पीना शुरू कीजिए। इससे आपको गठिया की प्रॉब्लम से एक महीने में आराम मिल जाएगा। आप आराम से मरुआ के जरिए अर्थराइटिस यानी कि गठिया की प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं। अगर आपके जोड़ों में दर्द है तो आप मरुए की चटनी को अपने घुटनों पर लगाकर लेप भी कर सकते हैं, इससे भी आपको घुटनों के दर्द से राहत मिलेगी। तो दोस्तों, इस तरह से आप मरुए के जरिए अपने शरीर की कई बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।